नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। और दोस्तों देखिए, मैं एक मधुमालती का पौधा लगाने जा रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मधुमालती जो ग्राफ्टिंग वाला है तो ये हमेशा फूल देता रहता है और गार्डन को हरियाली रखता है। दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ, इसमें मेरा लगे हुए थे क्या कई एक गमलों में, ये आपको रबड़ प्लांट लगे हुए थे, तो इस साल वो भी सूख गए। गलती मेरी ये रही दोस्तों कि इसमें मैंने बालू ज़्यादा मिलवा दिया था, और बालू में क्या होता है, कांच ज़्यादा पाई जाती है, तो इसलिए इस गर्मी में मेरे काफ़ी पौधे जल गए, तो उसमें कई रबड़ प्लांट भी जल गए, दो तीन पेड़ लगे हुए थे, तो मैंने काट काट करके उनको कोशिश भी किया बचाने की, लेकिन वो बच नहीं पाए। तो दोस्तों मैं उसी फिर दूसरे गमले में फिर लगा करके, मैंने दूसरे गमले से ट्रांसफ़र करके दूसरे गमले में लगाए, वो सारी रिपोर्टिंग कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच नहीं पाए। तो मैं दोस्तों ये सोच रही हूँ कि मैं इसमें मधुमालती लगा दूँ, क्योंकि इसकी मिट्टी अच्छी है। तो ये देखिए, इसमें नीम की खली डाले दे रही हूँ, इसलिए कि इसमें वो बरसात का समय चल रहा है तो फंगस का डर नहीं रहे। और ये जो है वर्मी कंपोस्ट है, तो इसको लेकर के आई वर्मी कंपोस्ट को, तो इसमें अर्थवॉर्म कहीं नहीं दिख रहे हैं केचुए। वैसे अगर बड़ी बोरी लेकर के आते हैं तो उसमें अर्थवॉर्म एक आध जरूर दिखते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन इसमें एक भी अर्थवॉर्म नहीं दिखे मेरे को। और दोस्तों इसमें सोचती हूँ कि मधुमालती लगा दूँ, अभी तो खैर नीचे ही रखी है बालकनी में, तो उसको सोच रही हूँ लगा दूँ, फिर दो चार दिन छाया में रखी रहेगी, फिर इसके बाद टेरिस में पहुँचा दूँगी, क्योंकि वहाँ लौकी तरोई सारी कुछ लगी हुई है, और जो है सब्जियों वाली बेलें लगी हुई हैं, तो वहाँ पर ये फूल वाले पौधे रखना बहुत ज़रूरी है। किस लिए रखना ज़रूरी, कि वहाँ ये इनको फ्लावर्स को देख के, पौधे फूलों को देख के वो मधुमक्खियाँ अटैक करती हैं, थोड़ा सा आसपास घूमती इर्द गिर्द, तो लौकी तरोई सब्जियों में जो है वो कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पॉलिनेटर बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपना खुद ही पॉलिनेट करती रहती हैं, तो इसमें कोई डर नहीं रहता है, फिर पौधे कोई मतलब फल कोई मरता नहीं है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ यहाँ से लेकर के अभी एक दो दिन रखी रहूँगी, फिर इसके बाद मैं ऊपर टेरिस में ले जाऊँगी और उनके आसपास रख दूँगी, क्योंकि इसमें फूल आ रहे हैं और भी काफ़ी फूल हैं, कई तरह के फूल लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि लगा देती हूँ। देखिए कैसे बड़े मुश्किल से निकल पाया इससे, और इसकी जड़ को मैं बिल्कुल तोड़ नहीं रही हूँ। ये लोग पता नहीं किस तरह से ग्राफ्टिंग करते हैं, तो ये जो है ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, और दूसरी जो बेल लगी हुई है वो तो बहुत लंबी सी बढ़ती, जो देसी टाइप की होती है, और ये ग्राफ्टिंग करके किस तरह से बनाते हैं मुझे नहीं पता है। दोस्तों अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग भी बताएं कि कैसे ग्राफ्टिंग होती है, तो मैं आगे से कोशिश करूँगी दूसरे भी पौधे बनाने के लिए। और मतलब चूँकि हमेशा फूल देती रहती तो बड़ी प्यारी लगती है, और वैसे बहुत हार्डी प्लांट है ये, जल्दी से जाता नहीं है, बस लो मेंटेनेंस में रहता है, इसका ज़्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, बस पानी देते रहें समय समय से खाद देते रहें। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बताऊँ आप लोगों की, ज़्यादा ओवर वाटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती किसी पौधे में, क्योंकि अगर ज़्यादा ओवर वाटिंग करेंगे तो हमारे पौधे जल्दी से मर जाते हैं, तो इसलिए जब पानी की आवश्यकता पड़े तभी पानी दें, क्योंकि पानी जब इतना जाता रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि शाम सुबह जब भी देखा पानी नहीं, चलिए पानी डाल देते हैं, उसमें गुड़ाई करके देखें, उसमें थोड़ी सी उंगली लगा करके देखें कि कितनी पानी की आवश्यकता है। और दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए आए हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों सब्सक्राइब तो कर ही लें, चूँकि मैं कोई दूसरा सा वीडियो में शूट करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और मेरा सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का बहुत सहयोग है।
और दोस्तों आप लोग बताएं कमेंट्स करके कि कैसा पौधा है, और क्योंकि ग्राफ्टिंग वाला पौधा बड़ा अच्छा लगता है। मधुमालती हमारे घर में पहले से भी लगी थी, लेकिन उसको मैं ग्राफ्टिंग नहीं कर पाई थी कि कैसे होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग बताएं ग्राफ्टिंग कैसे होती है इसकी है। वैसे मेरे को पता है कि जड़ से लगने है, तुमने ये खोद करके लगाई जाती है, पौधा इसका नहीं होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।